दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि वेट लॉस के लिए वॉकिंग से बढ़िया लो इंपैक्ट और इजी एक्सरसाइज और कोई नहीं। वॉकिंग एक ऐसी लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज है जो आपके जोड़ों के लिए भी आसान है और सभी फिटनेस लेवल के लोगों के लिए इसे फॉलो किया जा सकता है। इसके अलावा वॉकिंग एक एरोबिक एक्सरसाइज भी है जो आपके हार्ट रेट को बढ़ाती है और आपकी कैलोरीज बर्निंग में भी मदद करती है। वॉकिंग बहुत ही एक्सेसिबल और कन्वीनियंट है जिसको आप कहीं भी कभी भी और किसी भी फॉर्म में परफॉर्म कर सकते हैं। आप वॉकिंग करते समय कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं यह आपके वेट, आपकी स्पीड और डिस्टेंस पर निर्भर करता है। एक एवरेज इंसान 1 किलोमीटर वॉकिंग के दौरान 50 से 60 कैलोरीज बर्न कर सकता है। इसलिए अगर आप 5 किलोमीटर रोजाना वॉक करते हैं तो आप 250 से 300 कैलोरीज हर रोज बर्न कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप रोजाना 5 किलोमीटर वॉक करते हैं और आपकी डाइट में 500 कैलोरीज कम कर दिए जाए तो आप एक महीने में 3 से 4 किलो वजन कम कर सकते हैं। ध्यान रहे, इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी वॉकिंग की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को ग्रेजुअली इंक्रीज करें। जितनी देर तक आप वॉक करेंगे उतनी ही ज्यादा कैलोरीज बर्न होगी, इसलिए शुरुआत में 10 से 15 मिनट की वॉक करें और धीरे धीरे इस ड्यूरेशन को इंक्रीज करें। वॉकिंग को अपने वेट लॉस रेजिम में इनकॉर्पोरेट करने के लिए कुछ टिप्स को फॉलो करना फायदेमंद रहेगा। इसमें पहली टिप है एक रियलिस्टिक गोल सेट करना। अपने फिटनेस लेवल के हिसाब से शुरुआत में 10 से 15 मिनट की वॉक करके आप अपने स्टेमिना को बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में 0.5 किलो से 1 किलो वजन हर हफ्ते कम करने का एक रियलिस्टिक गोल सेट किया जा सकता है। हो सकता है ये वेट लॉस टारगेट आपको शुरुआत में कम लगे, लेकिन ये एक रियलिस्टिक और सस्टेनेबल वेट लॉस टारगेट है। दूसरी टिप, पीडोमीटर या फिर फिटनेस बैंड का इस्तेमाल करें। पीडोमीटर आपके स्टेप्स को ट्रैक करने में मदद करेगा और आपको रोजाना के लिए एक सेट टारगेट फॉलो करने में हेल्प करेगा। पीडोमीटर ये भी बताता है कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न की हैं और वॉकिंग करते हुए कितनी दूरी तय की है। पीडोमीटर को आप अपने पॉकेट में, बेल्ट में या शूज के ऊपर लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल बहुत से फिटनेस ट्रैकर भी मौजूद हैं, जो आपके डेली स्टेप्स के अलावा आपके हार्ट रेट, कैलोरी बर्न, स्लीप और दूसरे कई हेल्थ डेटा को भी ट्रैक करते हैं। थर्ड टिप ये है कि हो सके तो एक वॉकिंग बडी जरूर ढूंढे। अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ वॉक करना आपको मोटिवेटेड रखेगा और ये आपकी वॉकिंग रूटीन को भी इंजॉयबल बनाएगा। जब आप किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ वॉक करते हैं तो आपको मोटिवेशन और अकाउंटेबिलिटी दोनों ही मिलते हैं। वॉकिंग बडी के साथ वॉक करना एक सोशल एक्टिविटी है जिससे आपका मूड भी इम्प्रूव होता है। इससे आप स्ट्रेस फ्री और हैप्पी फील करते हैं और इससे आपका वजन कम करने के सफर में पॉजिटिव एटीट्यूड भी बनता है। अगली टिप ये है कि आप अपने वर्कआउट रूटीन में वेरिएशंस ला सकते हैं। अलग अलग रूट्स ट्राई करें या फिर अलग अलग टाइम पर वॉक करें ताकि आपका रूटीन हमेशा ही इंटरेस्टिंग बना रहे। आप कभी कभी स्लो वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग या फिर लाइट जॉग ट्राई कर सकते हैं। इससे आपके मसल को भी डिफरेंट लेवल ऑफ चैलेंज मिलता है और आपका स्टेमिना और एंड्योरेंस भी इम्प्रूव होता है। आप अपने वॉकिंग रूट में टेरेन वेरिएशन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अपहिल वॉकिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग या रफ टेरेन वॉकिंग। अगली टिप है कि वॉकिंग के लिए एक कंफर्टेबल पेयर ऑफ शूज ही पहने। वॉकिंग शूज सिलेक्ट करते समय सबसे इम्पोर्टेंट बात है कंफर्ट। अच्छे वॉकिंग शूज खरीदना इंजरी और फुट पेन से बचने में मदद करेगा। वॉकिंग शू को आपके फीट और एंकल को सही सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। ध्यान रहे शू ज्यादा स्टिफ ना हो, नहीं तो आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा और इससे आपका रेंज ऑफ मोशन भी कम हो सकता है। वॉकिंग करने के पहले, उसके दौरान और खास तौर से उसके बाद में आप पानी जरूर पिए ताकि आप हमेशा हाइड्रेटेड रहें। अपने वॉक से पहले पानी पिए जिससे आपका शरीर एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ही हाइड्रेटेड रहेगा। वॉक के दौरान पानी साथ ले जाएं, चाहे आप एक वाटर बॉटल लेकर जाएं या फिर हाइड्रेशन पैक का इस्तेमाल करें। पानी आसानी से अवेलेबल होना चाहिए। वॉक के दौरान थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। वॉकिंग या वर्कआउट लॉग हमेशा मेंटेन करें। अपनी वॉक का रिकॉर्ड मेंटेन करें ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें और साथ ही अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर सकें। एक वॉकिंग लॉग मेंटेन करना वेट लॉस के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट टूल साबित हो सकता है। आप एक फिजिकल जर्नल, स्मार्टफोन ऐप या फिटनेस ट्रैकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर दिन कितने कदम या डिस्टेंस तक चलना है, इसके लिए एक खास गोल सेट करें जिससे आप मोटिवेटेड रहेंगे और अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकेंगे। हर वॉक की डेट, टाइम,
ड्यूरेशन, डिस्टेंस और रूट नोट करें। अब कुछ एडिशनल टिप्स। अपने बिजी स्केड्यूल में वॉकिंग का टाइम निकालें और उसे रेगुलरली फॉलो करें। अपनी वॉकिंग स्पीड और डिस्टेंस को ग्रेजुअली इंक्रीज करें ताकि आप अपने फिटनेस लेवल को धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकें। वॉकिंग के दौरान म्यूजिक सुनना आपको एनर्जाइज रखेगा और आपको वॉकिंग को इंजॉय करने में भी मदद करेगा। वॉकिंग के पहले और बाद में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें ताकि आपके मसल्स रिलैक्स रहें और इंजरी से बच सके। वॉकिंग के साथ सही डाइट फॉलो करना भी इम्पोर्टेंट है। जंक फूड और अनहेल्दी स्नैक्स से दूर रहें और बैलेंस डाइट को फॉलो करें। अंत में वॉकिंग एक इफेक्टिव और एक्सेसिबल फॉर्म है एक्सरसाइज की, जिसको आप अपने वेट लॉस रेजीम में शामिल कर अपने वेट लॉस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन, आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।